राजस्थान के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से दौसा विधानसभा सीट भी शामिल है। दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीना की बेटी निहारिका जोरवाल ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया कि उससे पूरे राजस्थान में सियासी हलचल मच गई है। निहारिका जोरवाल ने दौसा सांसद मुरारी लाल मीना के ड्राइवर मुकेश मीना को दौसा विधानसभा से प्रत्याशी बताया है। इस पोस्ट को अब सोशल मीडिया पर वायरल होता देख कांग्रेस के उन तमाम लोगों के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है जो लोग दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट लाने की भागदौड़ में लगे हुए थे। निहारिका जोरवाल ने एक फोटो शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा कि दौसा सांसद महोदय जी के ड्राइवर और दौसा से विधायक उम्मीदवार मुकेश मीना जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इस पोस्ट से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, सियासी अटकलें तेज हो गई है। एक यूजर तारा सिंह ने इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा कि हम तो लाली जी को ही समझ रहे थे दौसा से विधायक प्रत्याशी। वहीं संतोष मीणा बंदड़ी नाम की यूजर ने लिखा कि ऐसे तो मोदी जी का ड्राइवर भी मुख्यमंत्री होता। वहीं एक अन्य यूजर हंसराज संध्या ने लिखा कि नांगल प्रधान दिनेश कुमार प्रधान बनने से अच्छा तो गाड़ी चला लेता, भविष्य का दौसा विधायक तो होता। और इन सब के इतर इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में निहारिका जोरवाल ने भी एक कमेंट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि आप सबके विचार जानने के बाद मुकेश जी ने दौसा से चुनाव लड़ने का विचार निरस्त कर दिया है, अब 2028 में मुकेश जी पुनर्विचार करेंगे। निहारिका जोरवाल ने सांसद के ड्राइवर को दौसा विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बताया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, क्योंकि दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा पहले ही कह चुके हैं कि विधानसभा उपचुनाव में कोई भी टिकट उनके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं दिया जाएगा। वहीं दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी में कश्मकश भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी में भी कई नेता इस सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं इस लिस्ट में, इस रेस में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का नाम सबसे आगे चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।